द्वापर युग से लेकर आज तक राजघराने वर्तमान में राजनीतिक दल में एक समानता आपको देखने को जरूर मिल जाएगी कि सिंहासन के लोभियों का अंत बड़ा ही कष्टदायक रहा है। आज लोक जनशक्ति पार्टी जिसके जनक दिवंगत रामविलास पासवान थे, उन्होंने उंगली पकड़कर पशुपति पारस को राजनीति का क ख ग सिखाया। आज उनकी वफादारी साफ साफ दिख गई। हम आप अगर सोचते हैं कि हमारे घर में ही एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जाती है तो आज की घटना इस मिथ्या को तोड़ देगी। आज जो कुछ भी हुआ लोक जनशक्ति पार्टी में वो कोई एक दिन में कतई नहीं हुआ होगा। इसके बीच बहुत पहले या चिराग पासवान की ताजपोशी के ठीक बाद वो दिया गया होगा, या उससे भी पहले जब दलित के जवान रामविलास पासवान के बीमार होने के वक्त ही जहन में वो दिया गया हो जो आज खुलकर आया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस अरमान से दलितों की आवाज को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रामविलास पासवान ने अपना सारा जीवन समर्पित किया हो, जिसको गली का एक एक भी प्राणी पहचानता तक नहीं हो, उसको एक आदमी से उठाकर सांसद बनाने का काम रामविलास पासवान ने किया था। इसलिए नहीं कि एक दिन जिसे हम दूध पिला रहे हैं वह अमृत नहीं विष उगलेगा। आरोप ये लगाया गया कि चिराग पासवान पार्टी संभालने में सक्षम नहीं थे। ये बात पशुपति पारस को उसी वक्त उठानी चाहिए थी जब चिराग की ताजपोशी की जाने वाली थी। आप मुझे बताएं कि वर्तमान बिहार की राजनीति के किसी भी युवा चेहरे जैसे तेजस्वी, तेज प्रताप या चिराग में बेहतर सोच और बेहतर समझ किसकी हो सकती है? एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि सक्षम नहीं थे तो आप तो वरिष्ठ और राजनीतिक में पुराने थे। आप बेहतर मार्गदर्शन क्यों नहीं कर रहे थे? आपने ऐसा नहीं किया। आपने गुटबंदी कर ताज ही उतार लेने की राजनीति कर डाली। इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी जिसने जदयू को नाको चने चबा दिया था, जिस चिराग की चुनावी रणनीति और चुनावी चिंगारी ने जदयू को अपनी औकात बता दिया था, आप उसी चिराग पर अक्षमता का झूठा आरोप लगाकर अपने ही माथे पर ताजपोशी करने चल दिए। आप अगर सच्चे हिमायती पार्टी के थे या दल के उत्थान के लिए समर्पित निर्णय लिए तो क्यों नहीं सूरजभान सिंह को ताज पहनाने की वकालत किए या चौधरी महबूब अली कैसर के माथे पर वही ताजपोशी क्यों नहीं करवाई? अगर आप इन दोनों चेहरे में से किसी पर भरोसा किया होता तो तमाम राजनीतिक दल सख्ते में आ जाते और बिहार में जातिगत राजनीतिक समीकरण का एक नया उदाहरण दे पाते, जिससे लोक जनशक्ति शब्द की अहमियत में चार चंद लग जाता, या महबूब अली कैसर के सर पर ताज रख देते तो शायद मुस्लिम वोटर या राजद के माय समीकरण पर चोट पहुंचा पाते। परंतु आपने ऐसा नहीं किया। फिर आप किस मुंह से कहते फिर रहे हैं कि मैं पार्टी को तोड़ा नहीं हूं, बचाया है। पारस जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गुटबंदी आपकी और आपकी वफादारी की परिभाषा को फिर से वहीं पहुंचा दे जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। आपके ये कदम पार्टी और परिवार दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी और आज जो आपकी गुटबाजी में शामिल चेहरे हैं, उनकी भी नीति अवश्य और जल्द ही आपके सामने होगी। घर को प्रकाशित करने के लिए एक ही चिराग काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज़, बिहार।